हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्लेंट होती है कि हमारे आईब्रोज के बाल जो हैं, हेयर्स हैं, वो घने नहीं हैं और ब्लैक नहीं हैं, तो बहुत अजीब लगते हैं चेहरे के ऊपर, कि जैसे चेहरा एकदम फेयर है और ऊपर जो बाल हैं बहुत लाइट कलर के हैं, तो वो चेहरा अच्छा नहीं लगता, ग्रेस नहीं लगती। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है, तो आज मैं स्पेशल उनके लिए ये रेमेडी दे रही हूँ जिससे कि आईब्रोज के बाल ब्लैक भी होंगे और घने भी होंगे, और एक महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी पहुंच सके और आप मेरी इजी से इजी रेमेडीज का फायदा उठा सके। तो उसके लिए हम देखते हैं, हमने सिर्फ दो इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये एक चम्मच हमने लिया है प्याज का रस। प्याज को हमने ग्रेट कर लिया और उसका रस निकाल लिया। बहुत ईजी है, हर एक के घर में प्याज होता है। और ये मैंने लिया है बादाम का तेल। इसके अंदर मैं आधा चम्मच बादाम का तेल डालूंगी। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है, रात को सोने के टाइम आपने इसे अपने आईब्रोज के हेयर्स के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आपने लगा लेना है, और ये नहीं है कि आपने इसे थोड़ी देर के बाद वॉश करना है, ऐसा नहीं है। इसे आप लगा के ही सो जाएं, तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपके जो हेयर्स हैं वो धीरे धीरे घने होने शुरू हो गए हैं और ब्लैकिश में शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो ये लगाने के बाद इसके ऊपर हल्की हल्की आईब्रो पेंसिल कोई भी लेकर उसे भी लगा सकते हैं, जिससे कि बालों की ब्लैकिश जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक महीने के अंदर आपके बाल बहुत ही अच्छे आपको अपने आप लगने लगेंगे, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तो आप इसे रेगुलर करें। उम्मीद है आपको ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव लगेगी, बहुत ही इसके रिजल्ट अच्छे लगेंगे। आप इसे यूज करें, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।